नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप अपने जो है लैपटॉप या कंप्यूटर में जो है नेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने फोन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ से जो है नेट यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर क्रॉस का निशान आया हुआ है, तो कैसे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को, आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या होगा। यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल पैनल में आ जाना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के। आने के बाद कुछ इस तरह से सेटिंग्स आपके सामने निकल कर आएंगी। अब आपको करना क्या है गाइज, यहां पर देख सकते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन, आपको यहां पर आना है। इतना करने के बाद आप यहां पर देख पाएंगे तीन सेटिंग आपके सामने निकल कर आई हैं। अब यहां पर आपको करना है इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक, थर्ड वाले पर, और यहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर लास्ट वाले ऑप्शन पर आइए, एडवांस पर। एडवांस पर आने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहां पर रीसेट दिख रहा है, रीसेट पर एक बार क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट पर्सनल सेटिंग, यहाँ पर एक बार टिक करने के बाद जो है यहाँ पर रीसेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम मैंने ठीक कर लिया था, तो यहाँ पर आपको सेम एज इट इज करना है। ठीक है, रीसेट पर क्लिक कर लेना है, डिलीट पर यहाँ पर टिक करने के बाद रीसेट करना है। उसके बाद दोस्तों एक और सेटिंग आपको करनी होगी, यहाँ पर डायरेक्टली आपको आ जाना है कनेक्शंस पर। कनेक्शंस पर आने के बाद गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर लैंप सेटिंग है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग है आपकी, यहाँ पर इसको आपका टिक होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको टिक करना जरूरी है, आपका टिक करना यहाँ पर जरूरी होगा गाइज, और यहाँ पर टिक करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग को ओके करना है गाइज आपको, और ओके करने के बाद जो है बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अब जो थर्ड सेटिंग है वो क्या करनी है बता देता हूँ, नेटवर्क एंड शेयरिंग का यहाँ पर सेंटर मिलेगा आपको, यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर थर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ यही है। ठीक है, आपको यही काम करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ अलग से सेटिंग को नहीं छेड़ना है गाइज, नहीं तो आपका जो है प्रॉब्लम आ सकती है। अब गाइज कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगी, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आ जाना है चेंज अडॉप्टर सेटिंग, यहाँ पर आइए चेंज अडॉप्टर सेटिंग पर। आपके सामने ये जो आपका वाईफाई का जो यहाँ पर सेटिंग मिलेगी आपको यहाँ पर देखने को, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बार जो है राइट क्लिक करना है, और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, और यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको एक बार डिसेबल कर लीजिए गाइज। यहाँ पर जैसे ही आप डिसेबल पर क्लिक करोगे डिसेबल हो जाएगी सेटिंग, और फिर से जो है डिसेबल होने के बाद इस पर फिर से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनेबल लिखा आएगा आपके आगे, अनेबल पर क्लिक कर दें तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है क्रॉस वाली तो ये चली जाएगी गाइज। ठीक है, यहाँ पर तो मैं इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरी तो सेटिंग सॉल्व हो गई है, मैं दिखा दे देता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने कर ली है। यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल से अनेबल कर लेना आपको, बस फिर से डिसेबल करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑफ किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कनेक्ट हो चुका है, आ चुकी है। बस आज की वीडियो में यही बताना था गाइज, कैसे आप जो है अपना नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं अपना लैपटॉप या कंप्यूटर से। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, होप आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, बाय बाय।